बहुत सारे लोग न्यू ईयर पे फिटनेस रेजोल्यूशन लेते हैं, 2-3 दिन बहुत कंसिस्टेंट रहते हैं, मगर उसके बाद भूल जाते हैं, उसके बाद कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। अगर आप उनमें से हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास वो पहुंच जाए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप अपनी फिटनेस जर्नी कैसे स्टार्ट करें, हाउ टू स्टार्ट गोइंग टू जिम, जिम जा रहे हैं तो कंसिस्टेंट कैसे रहें, न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया है, फिटनेस रेजोल्यूशन लिया है आपने तो उसे कैसे पूरा करें। इसके लिए कुछ फैक्टर्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, जैसे कि नंबर वन फैक्टर इज सेटिंग द गोल। आप अपना गोल सेट करें। गोल मींस के आप किस तरह की फिटनेस चाहते हैं, आप एक्चुअली ट्रेनिंग किस तरह की करना चाहते हैं। आप बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं, आप हाइपरट्रॉफी ट्रेन करना चाहते हैं, आप क्रॉसफिट करना चाहते हैं, आप वेट लिफ्टिंग करना चाहते हैं, आप हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करना चाहते हैं, आप तबाता करना चाहते हैं, आप डांस क्लास करना चाहते हैं। फर्स्ट इज टू सेट योर गोल, क्योंकि फिटनेस इन सबसे अचीव हो सकती है मगर आपका इंटरेस्ट किस में है, यू नीड टू सेट योर गोल। सो फर्स्ट फैक्टर आपने डिसाइड कर लिया, आपने अपना गोल सेट कर लिया। नाउ द सेकंड फैक्टर इज चूज द जिम अकॉर्डिंगली। आपने जो भी अपना गोल डिसाइड करा है आप उसके अकॉर्डिंग जिम ज्वाइन करें। एक क्रॉसफिट जिम ज्वाइन अलग हो सकता है, एक बॉडी बिल्डिंग जिम अलग हो सकता है, एक डांस क्लास अलग हो सकती है, एक तबाटा वर्कआउट स्टूडियो अलग हो सकता है, एक पर्सनल ट्रेनिंग स्टूडियो अलग हो सकता है। तो आपका जो गोल आपने सेट करा है उसके अकॉर्डिंग जिम चूज करें, जिम का ट्रायल पास लें, जिम विजिट करें, जाएं 1-2 दिन ट्रेन करें, देन यू विल नो कि आपका इंटरेस्ट है कि नहीं इसमें। गोल सेट करें देन जिम चूज करें। सो नाउ कम्स दी थर्ड फैक्टर। आपने जिम चूज कर लिया है, नाउ प्रिपेयर योर रूटीन। आप जो भी ट्रेनिंग करना चाहते हो वो एक लिखी होनी चाहिए, वो एक रूटीन फिक्स होना चाहिए कि आप मंडे को ये करने वाले हैं, ट्यूजडे को ये करने वाले हैं, वेडनेसडे को ये करने वाले हैं, ताकि आपके पास एक प्लान्ड वर्कआउट हो। बिना प्लान के आप नहीं मूव कर सकते। जैसे कि अगर मैं हाइपरट्रॉफी ट्रेन करता हूँ तो मंडे इफ आई एम डूइंग स्प्लिट वर्कआउट चेस्ट ट्राइसेप्स में कर रहा हूँ, ट्यूजडे को बाइसेप्स इन बैक वर्कआउट कर रहा हूँ। आपका रूटीन फिक्स होना चाहिए, चाहे आपने जो भी वर्कआउट चूज करा हो आपका रूटीन फिक्स होना चाहिए। Now comes the fourth factor, first day at gym. जब आप जिम में पहले दिन जाते हैं आप बहुत shy feel करते हैं, awkward feel करते हैं, आपको मशीनें चलानी नहीं आती, ये सब normal है, ये हमारे साथ भी हो, ये सबके साथ होता है। So आप जाएं वहाँ लोगों से बात करें, trust me, gym people are the most helpful people, most genuine people. आप जाएंगे बात करेंगे, they will guide you, they will teach you, जो seniors होंगे वो आपको बताएंगे। साथ ही साथ जो भी आप वहाँ सुन रहे हैं, पता कर रहे हैं, उसके बारे में रिसर्च करें, गूगल करें। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप अपने जिम का टाइम फिक्स करें। अगर शाम को जा रहे हैं 5-6 तो 5-6 मीन्स 5-6, मॉर्निंग जा रहे हैं तो मॉर्निंग, ऐसा नहीं एक दिन मॉर्निंग एक दिन इवनिंग। फिक्स अ टाइम एंड डोंट फील शाय। सो हियर कम्स द फिफ्थ फैक्टर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाउ टू स्टे कंसिस्टेंट। बाय कंसिस्टेंट कैसे रहें, जिम तो ज्वाइन कर लिया, 2-4 दिन मोटिवेटेड भी रहे बट अब कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे हैं, मोटिवेशन चली जाती है एक हफ्ते बाद। सो मोटिवेशन रखने के लिए देखिए, पहला कि जिम एक लॉन्ग प्रोसेस है, एक लंबा प्रोसेस है, ये एक लाइफस्टाइल है, आप इसे अपनाते हैं कुछ टाइम टफ लगता है बट ट्रस्ट मी आपकी लाइफ बदल जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस बदल जाएगा, आपका पूरा बॉडी पोस्चर बदल जाएगा। सो गुड थिंग्स टेक टाइम, आप कंसिस्टेंट रहें। जब आप थोड़े टाइम कंसिस्टेंट रहेंगे यू विल सी द चेंजेस इन योर बॉडी। जब आप अपनी बॉडी में चेंज देखेंगे आप खुद मोटिवेटेड होंगे, खुद नेक्स्ट स्टेज जाएंगे एंड आप खुद और अच्छा वर्कआउट करेंगे। सो कंसिस्टेंसी इज द की, वहां पे आपको रेगुलर रहने की जरूरत है। चेंज हर किसी में आता है, टाइम लगता है बट ये टाइम आपको देना पड़ेगा। ये सारे फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको फॉलो करेंगे आपकी जिम की जर्नी, आपका जिमिंग करना, आपका जिम ज्वाइन करना बहुत ही स्मूथ होगा, आपका परफॉर्म करना बहुत अच्छा होगा। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया प्लीज़ टू हिट लाइक बटन, कमेंट कर दें, कोई और वीडियो बनवाना चाहते हैं तो उसका भी आप कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। साथ ही साथ इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज सब्सक्राइब, बहुत सारे वीडियोज आने वाले हैं, बहुत मज़ा आने वाला है, डू वॉच इट। थैंक यू।